हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं मैक पावर टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, अगर आप एम आई फ़ोन के यूजर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास साबित हो सकती है, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एम आई फ़ोन का ही फोन यूज़र करते हैं तो आपको ये दिक्कत बहुत आती है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे आप होम बटन को सिर्फ ऊपर की करते हैं तो बार बार ये ब्राउज़र ओपन हो जाता है, आपको काफ़ी बुरा लगता होगा। ये जो जेस्चर है, ये आप कैसे क्लोज कर सकते हैं मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब जैसे मैं होम बटन को स्वाइप करूँगा, ये बार बार ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है। तो इस सेटिंग, इस वीडियो में इसको आपको बताऊंगा, ये सेटिंग जो जेस्चर है उसको ऐसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको जानना होगा जो है सेटिंग को डीएक्टिवेट करने के लिए। सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग क्लिक करने के बाद ये सेटिंग क्लिक करूँगा, वहाँ पर मुझे जाना होगा होम स्क्रीन एंड रिसेंट ऐप। ये आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन एंड रिसेंट पर आपके फ़ोन में होगा ना। तो आप सर्च लिख, यहाँ से सिंपल से सर्च कर सकते हैं होम। जैसे आप होम स्क्रीन सर्च करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर पे, सिस्टम एंड डिवाइस का होम स्क्रीन रिसेंट। आप जैसे ही इस पर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद अगर आप इसमें नहीं करना चाहें तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। आपको कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यह स्वाइप करेंगे सिंपल सा, तो आपको देखेगा कि सिंपल सा होम स्क्रीन एंड रिसेंट, इसको आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको लिखेगा यहाँ पर थर्ड नंबर पर स्वाइप अप ऑन द होम स्क्रीन रिसेंट टू ओपन सर्च। ठीक है, आपको यह ओपन है, इसको आपको क्या करना है, डीएक्टिवेट कर देना है। ठीक है, डीएक्टिवेट करने के बाद आप बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद जैसे आप अब मैं मतलब जो मैं का फ़ोन है उसमें आप होम बटन को स्वाइप करेंगे तो ये ब्राउज़र ओपन नहीं होगा। तो ये जो ये प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हमारी हो चुकी है। तो इससे ये जो ये जेस्चर है हम डीएक्टिवेट करने से बहुत ही फ़ायदा होगा। आप अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी वो आप सेटिंग करके देखिएगा। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको ये वीडियो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर कोई और सेटिंग आपको नहीं पता हो, अगर उसका सलूशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।